जब आपके नहाने का मूड हो, ठीक है, और तकरीबन 20 मिनट तक गर्म पानी का नलका खोलने के बाद भी उसमें से गर्म पानी नहीं आता और आप ठंडे पानी की बाल्टी भरते रहते हो, तो समझ जाना कि आपके एक अदद भाई ने गीज़र का स्विच जो है वो बंद कर दिया है और आपको फिर ठंडे पानी से गुजारा करना पड़ेगा। और नहाने के बजाय आपका प्लान चेंज हो गया, खाली मुँह धो के कंघी शंघी करके बाहर आ जाने का प्लान होगा क्योंकि ठंड बहुत है, बाहर धुंध पड़ी हुई है। यार सीन ये कि हम जा रहे हैं चकवाल, ठीक है, गैस किसके साथ, यार इतने व्लॉग उनके साथ बनाए मैंने, ठीक है, अब तो आप लोगों को भी आदत हो जानी चाहिए, यासिर भाई के साथ, वो आ गए, दरवाज़ा खोलते हैं बस। भाई जी ये आ गए गाड़ी भी हमारी, आज इस पर चकवाल जा रहे हैं और धुंध देख रहे हैं आप, ठीक है, और लेट हो गए तो गाड़ी खड़ी नहीं करेंगे बल्कि सीधा निकलेंगे। बस हम अपना सामान शामान लेकर आते, बैग शैग जिसमें मोबाइल चार्जर शार्जर और सब कुछ पड़ा हुआ है, कोट वगैरह पहन लिया, अपना बैग भी रख लिया, इसमें लैपटॉप और स्टैंड वगैरह सेल्फी स्टिक और ये सब कुछ है। तो बस मुझे यार चकवाल घूमने का शौक था, जो सीधी बात है मैं तो शौकीन हूँ घूमने फिरने का, तो मुझे ऑफ़र होती है और मैं चला जाता हूँ। अब ये जा रहे थे चकवाल तो इन्होंने कहा चलना है, मैंने कहा ठीक है ओके हम चले जाएंगे साथ। अस्सलाम वालेकुम। और भाई जी सुनाओ, यार धुंध बहुत है माशाल्लाह, अल्लाह खैरियत से ही लेकर जाए। नफरत नहीं अभी नहीं आया, आएगा नफरत जी हो गई है तेरे चंद से चेहरे तो, तेरे झूठे वादे तो, तेरी झूठियां कसमा तो, नफरत जई हो गई है तेरे चंद से चेहरे तो, तेरे झूठे वादे तो, तेरी झूठियां कसमा तो। यार पूरे गाने में सिर्फ यही लाइन अच्छी है, नफरत जई हो गई है बस। यार धुंध बहुत है माशाल्लाह से, यकीन मानो नजर कुछ नहीं आ रहा आगे। भाई पेट्रोल डलवाने आए हुए यहाँ पे, यार धुंध बहुत डेंस हो गई है जो सीधी बात, और नजर कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है खैर ये वो और तो नजर नहीं आया बिल्कुल, सही बात है। यार सीधा से कि हम पहुंच गए चकवाल, ये चकवाल का मेन बाजार है भाई, चौक है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें मिलने के लिए आ रहे हैं भाई हसीब खान जो मेरे साथ 3वीं में भी पढ़ते थे, और वो भी आ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि वो चकवाल की हैं, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया कि यार आओ मुझे चकवाल घुमा, अभी वो आया भी नहीं है, आने वाला है बस इधर चकवाल में, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। ये आ गए भाई हमारे हसीब खान, ये जनाब ये इनको मैंने देख लिया उधर से ही, हाँ चले आज चकवाल में वैसे काफ़ी धुंध पड़ी हुई है तो थोड़ी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन जितना हम डिस्कवर कर सकते हैं इंशाल्लाह इनके साथ मिलकर एक्सप्लोर करेंगे भाई। बलकसर के से आए चकवाल में, अभी 15 चौक हमने क्रॉस किया है। हसीब भाई अब यार हमें बाइक पे घुमा रहे सारा, अब मैं पछता रहा हूँ मैं दस्ताने ले आता, ज़्यादा अच्छी बात थी, लेकिन कोई नहीं फिर भी ओके चकवाल घूमेंगे भाई आराम स्कूल से। यार भाई सीन ये है कि ये जो बिल्डिंग है ना, यहाँ पे हमारे हसीब भाई स्टार्ट कर रहे हैं अकेडमी और अभी इसका काम जारी है, तो हमने कहा चकवाल घूमने से पहले भाई ये बिल्डिंग घूम लें, घूमें फिर थोड़ा देखें अंदर क्या काम है क्या नहीं। क्या अकेडमी किस चीज़ की? आप लोगों के व्लॉगिंग श्लॉगिंग है वो काम करवा रहे हैं, और उसके बाद ऊपर चल के बात करते हैं भाई, अभी हम रास्ते में खड़े हैं, आपको आवाज आ रही होगी, काम करने की काम हो रहा है भाई। ये ऑफिस बन रहा है भाई हमारे हसीब भाई का, प्रिंसिपल चेयरमैन प्रिंसिपल, अच्छा ये उनका भाई ऑफिस बन रहा है अभी, इसकी और बिल्डिंग भी ऊपर 3 फ्लोर है वो भी जाके दिखाएंगे आपको। ये छत है यहाँ की और वाह माशाल्लाह क्या धुंध है,
क्या धुंध यार, ये हमेशा इधर इस तरह का मौसम होता है या आजकल कुछ ज्यादा ही? सर्दियों में इस तरह होता है, जब सर्दी सही पीक पे होती है ना तो धुंध से मौसम साफ होता है, तो ऑलमोस्ट सारा चकवाल आपको अकेडमी का नाम क्या था? सी 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 सुप्रीम एजुकेशन अकेडमी। ये चीज चकवाल में फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस लेवल की अकेडमी होगी इंशाल्लाह। इस तरह का काम नहीं कर रहा जिस तरह मुदस्सर भाई की इंस्पिरेशन है हमारे लिए बहुत ज्यादा। वाह इंशाल्लाह इनको चीफ गेस्ट बुलाया करेंगे, एज अ चीफ गेस्ट आपने लाजमी आना है। सही बात है, सही बात है। खाली वीडियो के लिए नहीं लेकिन आपकी हमारी दुआएं असल में आपके साथ है। चले अब नीचे चले, ठंड बहुत है। नाश्ता माश्ता करवाते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर घूमते हैं चकवाल। चकवाल में खाली बाजार ही घूमने के लिए यार, हसी भाई ने बताया बाजार चकवाल का मशहूर है। कौन सा? छप्पड़ बाजार। ठीक है, वो मतलब कि चकवाल सिटी की बात कर रहे हैं तो वैसे तो काफी प्लेसेस हैं, कलरकार में हो गया। ठीक है, कलरकार वो एक ज्यादा चीज चली जाती है ना उधर, बंदा कौन जाए। तो अभी हम सिर्फ चकवाल एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई, सिर्फ चकवाल में सिटी में जितना मतलब कि पॉसिबल हो सका चकवाल सिटी की जितनी मशहूर चीजें हैं वो इंशाल्लाह सब भाई को दिखाएंगे इंशाल्लाह। चले फिर। मनमोहन सिंह नहीं थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो इस स्कूल में पढ़ के गए हैं। अच्छा। अब जब भी सिख वगैरह आते हैं ना, ठीक है, हमारे सिख भाई जितने भी है वो इधर जब भी आते हैं, अच्छा। एक तो वो कटास राज जाते हैं, अच्छा। एक बोन गांव में जाते हैं और ये एक स्कूल में आते हैं। और ये आपका अलायंस अड्डा था जिधर आपने? अच्छा, ये अलायंस अड्डा है। अलायंस ट्रैवल। हाँ ठीक 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 ठीक। लेकिन यार देखो धुंध कितनी है यार, वो खम्बा तक जो ऊपर टेलीफोन बूथ है वो तक छुपा हुआ है। और ये चकवाल का पुराना रेलवे स्टेशन है, यहाँ से किसी जमाने में ट्रेन गुजरा करती थी लेकिन अब नहीं। बुकिंग ऑफिस फॉर लेडीज और बुकिंग टिकट विंडो जो माशाल्लाह पक्के ही बंद कर दिए इन्होंने। चकवाल का पुराना जो है रेलवे स्टेशन है, ठीक है, था किसी दौर में नवाशिर साहब के दौर में इसको खत्म कर दिया गया, यहाँ से रेलवे स्टेशन वगैरह हटा दिया। जो मेरी बैक साइड में ना ये जा रही है भाई गला मंडी की तरफ सड़क, जो किसी ज़माने में यहाँ की मशहूर तरीन गला मंडी होती थी और इसके जो रेट है वो बकौल हसीब खान के, जो हसीब भाई ने बताया हमें, बकौल इंडिया पाकिस्तान से पहले ऑल इंडिया रेडियो पे इसके रेट चला करते थे। बड़ी बात है यार भाई जी, चकवाल की पलवान रेवड़ी बहुत मशहूर है, हर जगह पर है इसकी ब्रांचें। ठीक है, ये कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं है भाई, मुझे नज़र आ रही है दुकान बार में, मैं बता रहा हूँ। अभी आए भाई एक प्लाजे में जिसकी जो एकेडमी हसीब की उसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो हम आए थे थोड़े सामान लेने के लिए, रेनोवेशन वाले लगे हुए काम कर रहे हैं तो उन्हें कुछ सामान की शॉर्टेज थी, वो उन्हें देकर फिर हम फ्री हैं, फिर हम चकवाल वगैरह घूमेंगे। सही ये चकवाल का गोरी भाई सूरज निकला, बड़ा मज़ा आ रहा है, जाने का दिल नहीं चाह रहा लेकिन जाना है क्योंकि सूरज ढलने से पहले या धुंध आने से पहले पहले हमें पूरा चकवाल फिरना है और कुछ खाना पीना भी है यार, भूख लग रही है। तो हम आ गए भाई हलवा पूरी खाने के लिए चकवाल की मशहूर बकौल हसीब भाई। यार ये जो है ना चकवाल का मशहूर बाजार है, इसका नाम छप्पड़ बाजार है भाई। ये छप्पड़ बाजार में हमें मिला है क्लॉक टैंकी, ये अंदरूनी चकवाल का भाई छप्पड़ बाजार के अंदर सराफा बाजार की गलियों में हम जा रहे हैं। किधर? इधर 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 भी जा सकते हैं, इधर भी। तो ये अंदर काफी गलियां हमने स्किप भी की हैं। हाँ लेकिन सही है, अंदर की बातें अंदर की चीजें तभी आप घूम सकते हैं जब आपके साथ भी अंदर का बंदा हो। यह जो मेरे पीछे देख रही चकवाल की मशहूर जामे मस्जिद है, तो अभी इधर आए पिचारी चौक के साथ है, साथ डिस्ट्रिक्ट साहब ऑफिस का डिस्ट्रिक्ट का।
भाई जी, जो ये सड़क है ये जाती है झेलम, और जो ये डबल रोड है ये जाती है तलागंग, और जो ये नीचे कॉलेज रोड जा रही है आपको नज़र आ रही होगी ये वाली रोड, ये जाती सीधा पिंडी। ये आप लोगों के लिए भाई हमारा ड्रोन शॉट है। अगर वजद में लाऊं वापस, चाक पे कुजा रखूं, खाक बनाऊं वापस, साथ तेरा हुक्म से जन्नत से जमीन पर आया, हो गया खत्म तमाशा तो मैं जाऊं वापस। कादरे मतलक ने लिख कर मेरी किस्मत में गरीबी, कादरे मतलक ने लिख कर मेरी किस्मत में गरीबी, फिर फरमाया अंदाज इसका मीराना कर। यार अब तक की खूबसूरत तरीन बिल्डिंग मिली है चकवाल में, दारुल उलूम इसे कहते हैं। यार बाल सारे खराब हो गए, ठीक है मोटरसाइकिल पे फिर फिर के। मगरिब का टाइम है, अजानें हो रही हैं, तो अभी जाने से सीधा खाना खाने है। कुछ खाएंगे हल्का फुल्का सी खाएंगे, चावल चावल या कुछ देख लेंगे, और उसके बाद जाएंगे बालकसर। बालकसर में यासिर भाई आएंगे, वो हमें पिक करेंगे, और फिर हम जाएंगे सीधा रावलपिंडी, बैक टू रावलपिंडी। यहाँ चावल वगैरह खा लिए, अभी ऑर्डर दिए भाई कश्मीरी चाय का, कश्मीरी चाय पीते हैं, और कश्मीरी चाय पहले तो चावल खा कश्मीरी चाय पीते और फिर इसको पीने के बाद निकलेंगे। यह रात का व्यू चकवाल का, धुंध आ गई सारी नीचे और ठंड मजीद बढ़ गई है भाई, वो देखो आवाज चल रही भाई। यार अभी वो मौका आ गया, मनसीब भाई को अल्लाह हाफिज़ कर रहे भाई, थैंक यू। आप चकवाल में आए, और मसला ये है कि मैं आपको सही तरीके से हॉस्पिटैलिटी नहीं दे पाया क्योंकि आपने मुझे बताया नहीं था, बताए बिना आए थे। अगर बताया छोटी सी थोड़ी सी हमने कर दी है, कबूल कीजिएगा, चलाते रहिएगा इंशाल्लाह। ये चकवाल अब आपका दूसरा घर है, मुझे चकवाल में इंशाल्लाह भाई, ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यार ऐसा है कि हसीब को तो हमने अल्लाह हाफिज़ कर दिया है, अभी यासिर भाई ने पिक किया हमें दोबारा, वो गाड़ी खड़ी थी यासिर भाई की जी कोरोना, ठीक है उन्होंने पिक किया है, अभी सीधा जाएंगे भाई पिंडी। लेकिन पहले आए चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय नहीं पी पी है, लेकिन वो कश्मीरी चाय भी थी, अभी चाय पीने के लिए आए सही तरीके से, और बस अभी यासिर भाई वगैरह गए फ्रेशअप होने के लिए, फिर निकलेंगे यहाँ से सीधा पिंडी के लिए। बस